पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूते हृदयं मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सुखदेव जी की पावन चर्चा है। कहते हैं दुनिया में सुखदेव जी ही ऐसे थे जिन्होंने काम को क्रोध को जीता था और जन्म लेते ही सन्यास लिया था आपने। ये सुखदेव जी कौन है? कहते हैं जब राधा जी संसार में आई लीला करने के लिए तो राधा जी के संग एक तोता था। गौलोक धाम में राधा के पास एक तोता रहा करता था। वो तोते ने कहा, माँ आप जा रही हो, हमें भी संग ले चलो। राधा जी ने कहा, वहां बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, तू सहन नहीं कर पाएगा। एक काम कर, जब मैं लीला करके आ जाऊंगी तो तुम जाना और लीलाओं का गुणगान करना। वही तोता आज अमरनाथ के जंगल में एक तोती के गर्भ से प्रकट हुआ। और संयोग देखना कि उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी, माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आज हमें कथा सुनने का मन कर रहा है। शंकर जी बोले, नहीं नहीं, हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि कथा के चक्कर में पिछले जन्म में तुम मर गई थी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज्र सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ था, भगवान शंकर माता सती को लेकर गए थे, तब ये दक्ष की बेटी हुआ करती थी। तो सती को भगवान पर संदेह हो गया था, ये कैसा भगवान जो पत्नी के लिए, जब राम जी ढूंढ रहे थे, हे सीता हे सीता, हे खग हे मृग हे वृक्ष, तुम बताओ हमारी सीता को देखा, तो माता सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान। यदि भगवान होता तो इसे पता चल नहीं जाता कि मेरी पत्नी को रावण चुरा के ले गया। अब सती को संदेह हो गया और सती को संदेह हुआ, शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये लीला चल रही है, इनको पता सब है, पर अभिनय चल रहा ना, अभिनय भाई। अभिनेता जो पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, उनको उनकी रियल जिंदगी अलग होती है और पिक्चर की रील की जिंदगी अलग होती है। हाँ, रियल की जिंदगी और रील की जिंदगी में थोड़ा अंतर होता है। उन्हें वही करना पड़ता है जो उनकी कहानी में लिखा होता है, वही बोलना पड़ता है जो उनको मिलता है, आपको ये बोलना है, बोलते हैं वो। उनको उनको वहां रोने का अभिनय है तो रोना पड़ता है, हंसने का अभिनय है तो हंसना पड़ता है, मारने का अभिनय है तो मारना पड़ता है, और मरने का अभिनय है तो मरना भी पड़ता है। वो रियल जिंदगी से बिल्कुल अलग है। शंकर जी ने कहा, ये भी इनका अभिनय चल रहा है, ये लीला कर रहे हैं राम जी, इनको पता सब है पर ढूंढ रहे हैं सीता सीता सीता। सती बोली, नहीं नहीं, हम नहीं मानते। सती जी गई होशियार बन के, परीक्षा लेने चली गई, सीता का रूप बना लिया और राम के आगे खड़ी हो गई। लो राम जी, मैं रावण के चंगुल से भाग के आ गई। राम जी ने कहा, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? और जैसी शंकर जी का नाम लिया, माता जी तो घबरा गई, माता जी को पसीना आ गया। अरे आप सब जानते हैं? हाँ हम तो सब जानते हैं। तो फिर आप सब जानते हैं तो ये सब नाटक क्यों? बोले, हमें लीला करनी है, ये लीला है। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ, सती ने पूछा, प्रभु मैं तो सीता के रूप में थी, आपने हमें पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा, मां प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप को बदला जा सकता है, स्वरूप को बदला जा सकता है पर स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता वो सीता है जो राम के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ खड़ी हो सकती है, आप मेरी माँ हो। मेरी सीता में ऐसे संस्कार तो नहीं है कि वो पति के आगे खड़ी हो सके, मेरी सीता हमेशा पति के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। तो स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। स्वरूप की चोरी की जा सकती है पर स्वभाव की चोरी नहीं की जा सकती। बस भक्तों, माता सती गई घबरा कर, शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। शंकर जी बोले, हमारी तरफ प्रणाम करना था तो यहीं से कर लिया होता,
वहां जाने की क्या जरूरत थी। शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई कि इन्होंने तो मेरी माँ का रूप बना लिया। अच्छा, शंकर जी ना सीता को माँ के रूप में देखते थे और राम को पिता के रूप में देखते थे, और आज पत्नी ने माँ का रूप बना लिया अर्थात सती ने सीता का रूप बना लिया, तो मेरी पत्नी तो अब माँ हो गई ना मेरे लिए, क्योंकि इसने माँ का रूप बनाया। उस दिन से शंकर जी ने त्याग दिया, देवी अब इस देह से कभी हमारी तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। शंकर जी 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में डूब गए, सती का त्याग कर दिया। वही सती बिना बुलाए एक दिन पिता के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हो गई। ये चर्चा मैं आपको कल परसों सुनाऊंगा विस्तार से। जलकर भस्म हो गई वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है। हाँ भक्तो, शंकर जी ने त्याग दिया। शंकर जी ने क्यों त्याग दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप बना लिया? शंकर जी की मां का रूप बना लिया। इसका एक दूसरा अर्थ भी है भक्तों, कि जब स्त्री मां बन जाए। अच्छा, हमने सुना है जयपुर के पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी बोलते, सही है क्या? नहीं, हमने सुना जयपुर की माताएं अपने पति को पापा बोलती हैं, नहीं सुना है? अब देखो क्या सही है क्या गलत। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने बच्चे से, एक माँ एक स्त्री बोल रही थी अपने बेटे से, बेटा पापा कहाँ है? तो पापा भी कम नहीं, बेटा मम्मी कहाँ है? बेचारे जल्दी जल्दी में ये कहना भूल जाते हैं कि तेरी मम्मी कहाँ है। अब बताओ, कोई कहे कि बेटा मम्मी कहाँ है तो सामने वाला क्या समझेगा, तेरी मम्मी कि मेरी मम्मी? तो इनडायरेक्ट पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी बोलता रहता है, इनडायरेक्ट पत्नी अपने पति को पापा बोलती रहती है, बोल रही है पापा और बनाए है पति, बोल रहा है मम्मी और बनाए है पत्नी। गलत है भाई, सिस्टम ठीक करो। इसका अर्थ दूसरा है, मैं इस बात से आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। मेरी माँ, मैं आपको केवल यह समझाना चाहता हूं कि स्त्री जब माँ बन जाए, पुरुष जब पिता बन जाए, आपके बाल गोपाल बड़े हो जाएं, बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब आप मतलब मम्मी पापा, तब आप लोग अपने मन को भोगों से हटाकर अब मन को भजन में लगाइए। बहुत हो गए भोग, भोगते भोगते उम्र निकल गई, अब ये जीवन भोग के लिए नहीं भजन के लिए है। मन को वासना से हटाकर मन को उपासना में लगाइए। याद रखना, शरीर का जो तेज, शरीर की जो शक्ति नाभि के नीचे चली जाती है ना, उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि के ऊपर आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। अब अपनी शक्ति, अपना बल चाहे भोग में खर्च कर दो, चाहे भजन में लगा दो, मर्जी आपकी। बुढ़ापा आ गया ना, बहुत तो भोग लिया, पेट भरा क्या? और 10-50 बार और भोग लोगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए भोगों से मन को हटाओ और भगवान के भजन में मन को लगाओ। भोग भोगते भोगते जन्म चलाया, कुत्ता बिल्ली भी भोग भोग रहे हैं, मच्छर मक्खी भी भोग भोग रहे हैं, किसी का पेट नहीं भरता इन भोगों से। सच कहता हूं मेरी माँ, सच कहता हूं भक्तों, ये इच्छाएं हमें ठग लेती हैं, छल लेती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, शंकर जी भोगी नहीं योगी बन गए, सती का त्याग कर दिया, सती पिता की यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई, और वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है। आज वही सती भगवान शंकर से कह रही, वही पार्वती भगवान शंकर से कह रही है कि हमें कथा सुनाइए। शंकर जी बोले, हम नहीं सुनाएंगे, पिछले जन्म में कथा के चक्कर में तुम मर गई थी, कथा सुनने गई थी तो भगवान पे डाउट हो गया, आपको संदेह हो गया, जिससे तुम्हें मरना पड़ा, हम त्याग चुके थे आपको। सती पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु तब संदेह था, अब जिज्ञासा है, भगवान के चरित्र को जानने की जिज्ञासा है। याद रखना भक्तों, भगवान पे संदेह ना हो, ईश्वर को समझना है तो जिज्ञासा रखो। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं। कई लोग ना भगवान पे बड़ा डाउट करते हैं, संदेह करते हैं। वैसे संदेह करते हो आप तो इससे होगा क्या नुकसान? भगवान का कुछ नहीं है, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में ऐसी बहुत सारी सृष्टियां लटक रही हैं, ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हम कौन हैं इस संसार में बताओ? एक सुंदर सी बात मुझे याद आ गई, एक संत जी जयपुर आए थे आज के 100 साल पहले, तब आप में से कोई नहीं था,
आज के 100 साल पहले एक संत जी जयपुर आए, तो जयपुर के एक बहुत बड़े सेठ जी जो जयपुर के नगर सेठ थे, उन्होंने संत जी को अपने घर पर बिठाया और वो अपना घर अच्छा आलीशान बंगला बनवाया था 100 साल पहले, बहुत बढ़िया। तो संत जी को दिखाने लगे, देखिए महाराज जी हमारा बेडरूम है, ये हमारे किचन है, ये हमारा हॉल है, ये हमारे संत जी देखिए, हाँ हाँ ठीक है। तभी वहां पर ग्लोब रखा था, पूरा विश्व का नक्शा उठना ग्लोब बोलते हैं, है ना, जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं। संत जी ने कहा कि भाई साहब ये क्या है, संत जी जानते सब थे पर यूं ही पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया का मानचित्र है, इसमें पूरी दुनिया का मानचित्र है ये। तो संत जी ने कहा कि इस मानचित्र में हमारा भारत कहाँ है, उन्होंने कहा गोल गोल, ये देखो ये हमारा भारत। बोले इसमें भारत में ये बताओ कि राजस्थान कहाँ है, बोले ये बिंदु ये। बोले राजस्थान में ये जयपुर कहाँ है, तो और छोटा डॉट था, बोले ये है। अच्छा अब बताओ कि इस राजस्थान के जयपुर में तुम्हारा घर कहाँ है, इसमें दिख रहा। दुनिया के मानचित्र में हमारी औकात क्या है भाई, दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है बताओ तो। भैया जी तरक्की करना अच्छी बात है, धन दौलत कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार पाल लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सच कहता हूं इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं है। जिस मिट्टी में आप लोग बैठे हैं ना, उसका एक धूल उठाइए, एक कण उठाइए, वो कण एक कण उठाइए, मिट्टी का एक कण उठाइए, सच कहता हूं वो कण भी शायद हम नहीं हैं। उस कण से भी छोटी हमारी हैसियत शायद होगी, आपके साथ बड़ी हो पर हमारी तो वो भी नहीं है। हम किस चीज का गुमान करते हैं, हम किस चीज का घमंड करते हैं, क्या है हमारे पास, कहां है हमारा घर। आपका जो घर है बताइए दुनिया के नक्शे में दिखता है। भैया जी हां अच्छी बात है धन दौलत कमाना, रावण की लंका जल के राख हो गई थी अहंकार के कारण, आपके घर तो फिर भी मिट्टी के हैं, है? भक्तो भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं कि देखो देवी कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे, आपको डाउट है। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं, यदि आपको भगवान पर संदेह डाउट है तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि ईश्वर संदेह का नहीं जिज्ञासा का सब्जेक्ट, उसको जानने की जिज्ञासा रखिए अच्छी बात है, पर उस पर संदेह आपके लिए नुकसानदायक है। सती पार्वती बोली नहीं नहीं अब तो जिज्ञासा है, अमरनाथ के जंगल में गए, माता सती को बिठा करके, माँ पार्वती को बिठा कर शंकर जी बोले मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। शंकर जी कथा सुनाने लगे, माँ पार्वती सुनने लगी, पर कथा सुनते सुनते मैया जी को नींद आ गई और माता जी सो गई। आंख खुली शंकर जी ने देखा कथा पूरी हो गई। अच्छा माता जी जब सो रही थी तो पीछे तोता बैठा था, वही तोता, और वो हुंका देने लगा, पूरी कथा हो गई, हुंका उसने दिया। जब कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए वाक्य बिहारी लाल की, जयकारा लगी तो माता पार्वती जी जागी। हाँ भोलेनाथ फिर क्या हुआ आगे। शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी, हम सो गई थी। शंकर जी बोले पर हुंका तो बराबर मिल रहा था, हुंका किसने दिया। पलट के देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को लगा ये तोता चोरी से इसने कथा सुनी है। त्रिशूल लेकर शंकर जी तोते को मारने दौड़े, नन्हा सा तोता पंख छोटे छोटे फड़फड़ करता भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी अपने केस सुलझा रही थी, उन्हें जमहाई आई, मुंह के द्वार से तोता अंदर गया, माँ के गर्भ में बैठा और बैठ ही गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहीं कहीं आया है, जल्दी बताओ चोर कहाँ है। देवी जी ने कहा आपकी चोरी क्या कर लिया, बोले हमारी अमर कथा सुन ली। देवी जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे, और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा नहीं घट जाएगी। शंकर जी कैलाश पर्वत पार्वती को लेके चले गए, बात सच्ची ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती को तो निमित्त बनाया। अब वो तोता माँ के पेट में बैठकर 12 साल तक वो माँ के पेट में रहा, 12 वर्ष तक माँ के पेट में रहा। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है।
तो सुखदेव जी बोले बाहर नहीं आऊंगा, जब भगवान नारायण खुदा कर कहेंगे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तब मैं वापस आऊंगा। सुखदेव जी को भगवान ने आकर कहा बेटा बाहर आ, मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने नरे को कंधे पर टांग कर, नरा भी नहीं काटा, नरे को कंधे पर टांग कर चल पड़े सन्यास लेने। पिताजी बोलते हैं बेटा शादी तो कर लो, विवाह तो कर लो, फिर सन्यासी हो जाना, अभी बचपन से क्या जरूरत है सन्यास लेने की। सुखदेव जी बोले पिताजी जिन्होंने शादी की उनसे पूछो कि वो कब सन्यास ले रहे हैं, बुढ़ापा के मर जाता आदमी का मन ही नहीं होता सन्यास लेने का, एक बार पकड़ता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये गृहस्थी कैसी है बताएं, चक्रव्यूह अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी भी वही चक्रव्यूह है। हाँ मैया जी आप लोग ना शादी, देखिए गृहस्थ जीवन खराब नहीं है, गृहस्थ जीवन चार आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ आश्रम किस प्रकार श्रेष्ठ है वो भी समझ लीजिए, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 50 साल के बाद गृहस्थी मत रहो। क्या रहे भैया फिर? अच्छा यहां ध्यान से सुनिएगा, मैया जी आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, अब बताओ आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि नहीं? हां कि ना? कि गोल बोल। आपने बेटी का विवाह कर दिया वो अपने घर चली गई खुश है, आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया वो भी कमा खा रहे हैं बने पांव पे खड़े हैं बढ़िया खुश हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां विधाता ने दी थी उनसे हम उऋण हो गए कि नहीं? हां या ना? वो जिम्मेदारियां पूरी हो गई ना? हां मेरी मां आपकी बिटिया का आपके बेटे का विवाह हो गया, आप गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूरे हो गए, अब एक जिम्मेदारी और बची है, मानव तन जिसलिए दिया है विधाता ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बस उसे पाने में बचे हुए समय को समर्पित कर दीजिए, यही मानव तन की सार्थकता है। बुढ़ापे में भी नाती पोता संति अंति के लिए आप रोते रहते, कितनी बड़ी विडंबना, सब मिल गया सब कुछ हो गया फिर भी नहीं छूट रहा। अरे भाई पकड़े थे, काम पूरा हो गया ना, अब छोड़ दो ना। नहीं नहीं पकड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, छूटता नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, आप एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ो जरा कस के, पकड़िए मैया अच्छे से पकड़िए जोर से और जोर से दबाइए भाई साहब, दबाइए प्रैक्टिकल करिए, आपको अच्छा हमें अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल करिए थोड़ा और दबाइए और जोर से बेटा दबाओ और जोर से और कस के हिलने लगे पूरा जोर लगाइए। हाँ अब छोड़ दीजिए, अब बताइए कि आपको पकड़ने में अच्छा लग रहा था कि अभी छोड़ने में अच्छा लग रहा है? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो छोड़ना सीखिए, आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, जरूरत नहीं पकड़ने की तो भी पकड़ रखा है। किसने कहा कि आप पकड़ रखो, किसने कहा कि आप छोड़ो ही मत? अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था पर वापस आना नहीं जानता था, यही कारण था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने चक्रव्यूह में जाने की विद्या तो सीखी थी परंतु वापस आने की विद्या। बस मेरी मां भैया जी दादाजी आप लोग भी गृहस्थ में जाने की विद्या तो सीख चुके हैं पर साकुशल वापस आने की विद्या नहीं जानते। अभिमन्यु केवल वो नहीं है, हर वो व्यक्ति संसार गृहस्थी में उलझा हुआ हर वो व्यक्ति अभिमन्यु है जो उलझा उलझा मर जाता है, सुलझने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ सुलझिए, बहुत उलझ गए हैं, मन को हल्का कीजिए, भगवान में लगाइए, सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, छोड़ दीजिए सब। बुढ़ापा आ गया, अब पकड़ने से कोई फायदा नहीं, साल दो साल दस साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा ना, हाँ या ना?
दस साल बाद चलो आज तुमने पकड़ रखा, आज के दस साल बाद छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो कल छोड़ना पड़ेगा भाई, आज छोड़ दो ना संसार। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि सब छोड़ के तुम हरिद्वार चले जाओ ना, घर पे ही रहो। पर कैसे रहो? कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में रहता है भक्तों, पर कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता कमल का पुष्प। ऐसे संसार में रहो, पत्नी के बीच में, पुत्रों के बीच में, नाती के बीच में, काम धाम बिजनेस व्यापार के बीच में रहो। सबके बीच में रहना अच्छी बात है, पर किसी में आसक्त हो जाना, किसी में मोह रखना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, ऊपर रहता है, ऐसे आप सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। दलदल में यदि आप डूब गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सुखदेव भगवान चल पड़े, उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। भक्तों आइए चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे, वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सारे संत खड़े हो गए, खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और कहा कि प्रभु हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिल जाए, हमें जिस कथा से कृष्ण मिल जाए ऐसी कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं मैं आपको सार सार सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, यही कथा जो आप सुन रहे हैं ना भक्तों, यही कथा एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तभी देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर और देवराज इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी कथा हमें सुना दो और राजा परीक्षित को बदले में अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले वाह इंद्र, यदि तुम प्रेमी बनकर आते ना तो हम आपको कथा जरूर सुनाते, पर आप प्रेमी नहीं, आप तो सौदागर बनकर आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की कथा है। यदि प्रेमी बनकर बैठोगे तो कथा सुन पाओगे और सौदागर बनकर बैठोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। कहां कांच का टुकड़ा, सुखदेव जी कह रहे हैं, जरा समझिए, सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा कथा अमृत मणि है, भला मणि देकर कांच का टुकड़ा कौन लेगा, सस्ता सौदा कौन करेगा। सुखदेव जी इंद्र के स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह रहे हैं और भागवत को अमृत कह रहे हैं। भक्तों याद रखना, यदि कोई अमृत पी लेना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर सात दिन कथा की गंगा में कोई डूब जाए और कथा अमृत का कोई पान कर ले तो उसे स्वर्ग की नहीं स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम,